सत्ता की हनक ऐसा लगता है भाजपाइयों के भी सिर चढ़कर बोलती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ मेरठ में उस वक्त देखने को मिला जब भाजपा के आईटी विभाग के जिला संयोजक की गाड़ी एक बाइक सवार दंपत्ति से भिड़ गई। आरोप है कि भाजपा नेता और उसके साथी ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसमें महिला के कपड़े तक फट गए। पीड़ित दंपत्ति ने थाने पहुंच इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस भी सत्ता के दबाव में नजर आई। मामला मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित मेघदूत चौराहे का है। दरअसल आरती नामक महिला अपने पति के साथ दवाई लेने जा रही थी। रास्ते में मेघदूत चौराहे पर बहुत ट्रैफिक हो रहा था, तभी बताया जाता है एक गाड़ी तेजी से आई और उसने बाइक सवार दंपत्ति की बाइक में हल्की सी टक्कर मार दी। इसके बाद एकदम से गाड़ी चालक नीचे उतरा और उसने दंपत्ति के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। गाड़ी पर भाजपा का टैग लगा हुआ था, जिस पर भाजपा आईटी विभाग जिला संयोजक लिखा हुआ था। बताया जाता है कि गाड़ी भाजपा के आईटी जिला संयोजक दिग्विजय सिंह की थी और वो खुद गाड़ी चला रहे थे। पीड़िता ने बताया कि गाड़ी में और भी लोग थे, उन्होंने भी उनके साथ मारपीट की और उनके कपड़े भी फाड़े। पुलिस गाड़ी सहित दोनों पक्षों को थाने तो ले आई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर पुलिस का लचर रवैया नजर आया। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तरफ से पुलिस को अपनी शिकायत दे दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारी सत्ता के दबाव में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। सर, मेरा नाम आरती है। मैं अपने हस्बैंड के साथ दवाई लेने जा रही थी पीएल शर्मा रोड पर। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था मेघदूत चौराहे पर। हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारी गाड़ी वाले ने इनकी बाइक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी से बाहर निकल के इनके साथ मारपीट करने लगे बहुत ज़्यादा। मैं बचाव करने गई तो कपड़े फाड़ दिए। बेचारे कपड़े फाड़ दिए और बदतमीजी करने लगे मेरे साथ। मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है, किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। उनकी गाड़ी पे बीजेपी का टैग लगा हुआ था। तीन लोग थे और एक औरत थी उनके साथ। अभी हम सिविल लाइन थाने में आ रखे हैं। बहुत देर हो गई और कुछ भी नहीं हो रहा है। मैडम, थाने में कोऑपरेशन मिल रहा है आपको? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत देर हो गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है।